दोस्तों कुछ दिनों पहले हैमर ने उनके स्क्रीन TWS लॉन्च किए थे। सो इसी टाइप के और एक TWS ईयरफोन्स यूबॉन इस ब्रांड ने लॉन्च किए हैं, जो कि है यूबॉन J18 फ्यूचर पॉड्स। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं फ्यूचर पॉड्स के डिटेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, क्या इसकी प्राइस होने वाली, क्या कुछ वारंटी देखने मिलती है, क्या क्या नए फीचर्स इसके अंदर है। सो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इसके डिजाइन की, तो आपको बहुत ही अच्छा डिजाइन देखने मिलता है। आगे की साइड में स्क्रीन है और ये TWS ईयरफोन सिर्फ एक ही कलर के अंदर अवेलेबल है। तो ये ईयरबड्स वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन इनकी केस वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। अब इसके ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.3 देखने मिलता है, जो की एक लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन है। अब इसके बैटरी लाइफ की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 60 आवर्स की, लेकिन बिल्कुल भी आपको इतनी नहीं चलेगी। अगर आप ANC के साथ यूज करते हैं, इसकी स्क्रीन यूज करते हैं, तो आपको बहुत ही कम बैटरी लाइफ देखने मिलेगी, लगभग 15 से 20 घंटे के अराउंड चल जाएंगे। अब इसके स्क्रीन यूजेस की बात करें तो ANC ऑन ऑफ कर सकते हैं, सारे के सारे ईयरबड्स आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं और इस साथ गाने आगे पीछे भी कर सकते हैं। ईयरबड्स कहीं खो गए तो उसे आप फाइंड कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साउंड की बात करें तो ओवरऑल आपको डिसेंट ही साउंड देखने मिलेगा, क्योंकि इसके ड्राइवर्स कितने एमएम के हैं वो भी ब्रांड ने मेंशन नहीं किया है। इसके साथ आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन देखने मिलता है, जो कि प्राइस के हिसाब से ओवरऑल ठीक ठाक काम करेगा। ENC जो कि कॉल के दौरान सराउंडिंग नॉइज को कैंसिल आउट करता है, जिससे कि अगले वाले पर्सन को आपकी आवाज बहुत ही क्लियरली सुनाई देती है। अब इसकी प्राइस की बात करें तो 2500 रुपए इसकी प्राइस है, और मेरी सजेशन रहेगी कि इस प्राइस रेंज में बिल्कुल भी इसे ना बाय करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि ब्रांड ने क्लियरली मेंशन नहीं की है। अगर आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इसे ना बाय करें। अगर आप ऑफलाइन स्टोर में जाके इसे यूज करते हैं, अगर आपको पसंद आते हैं, तो आप इसे बाय करना कंसिडर कीजिए।